नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर एंड फिटनेस पे मैं हूं चौहान आज इस वीडियो में लेके ऐसा हाँ प्रोडक्ट जिसका नाम है एग्जॉम चवनप्राश जो कि काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय इसकी विधि इसकी क्वालिटी और इसके रेट को लेकर जी हाँ तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्जॉम चवनप्राश और ऑर्डिनरी चवनप्राश में क्या डिफरेंस है चवनप्राश के बेनिफिट क्या होते हैं और बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की और मैं खुद इसे दो मंथ से यूज़ कर रहा हूं तो मुझे दूसरे चवनप्राश और ऑर्डिनरी चवनप्राश और इसमें क्या फर्क लगा सबसे पहले बात करें हम चवनप्राश के इस प्रोडक्ट को अगर हम रखें साइड में और केवल च्यवन की बात करें तो चवनप्राश जो हमारे सारंग संहिता आयुर्वेदिक सूत्र में हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने लिखा गया है कि चवनप्राश किस तरह से बनता है उसकी प्रक्रिया क्या है वो सारी चीजें विधि लिखी गई है सारंग संहिता में लेकिन आज इतना भागदौड़ बड़ा कंपटीशन का जमाना है ट्रेंड है तो लोग क्या करते है जो कंपनियां क्या करती है एक के बाद एक च्यवनप्राश निकाले जा रही है उनको मतलब ही नहीं है सारंग संहिता जो सूत्र है उसमें किस विधि से बनाना है कुछ तो भी विधियों से बना रहे है तो कुल मिला के जो फायदा एक्चुअल मिलना चाहिए वो मिलता नहीं लेकिन अगर मैं बात करूँ एग्जाम चवनप्राश की तो ये ऑर्डिनरी चवनप्राश से क्यों डिफरेंट है क्योंकि सारंग में जो जड़ी बूटी लिखी गई है ऐसी कई सारी जड़ी बूटी जो कि महंगी आती है अगर वो महंगी जड़ी बूटी आप वो खुद डाल देंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी दूसरा आप जानते घी में जो च्यवनप्राश है उनमें डालता है घी ठीक है अब अगर वो घी मार्केट में साढ़े तीन सौ साढ़े चार सौ पांच सौ रुपए किलो आता है लेकिन जो ए टू घी होता है वो ही डाला जाता है ओरिजिनल चवनप्राश में जो सारंग संहिता के सूत्र में लिखा गया अब ए टू घी कैसे बनता है ए टू घी एक रहता है देसी गाय का दूध और वो गाय के दूध से बनाते दही दही बनाने के बाद आपने देखा वो ऊपर एक मलाई जमती उसको कलेक्ट करते जाते कलेक्ट करते जाते और उसके बाद उसको मंथते मंथे के बाद उसको गर्म करते और उसके बाद बनता है गाय का घी ए टू घी इस विधि को बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है प्लस इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है इसलिए जो ए टू घी रहता, रहता है वो 10 20 30 परसेंट ज्यादा रहता है नॉर्मल घी के मुकाबले अगर सभी लोग ये ए टू घी डाल देंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी फिर कोई खरीदेगा नहीं लेकिन जो ए टू घी है उसके इतने सारे आयुर्वेदिक बेनिफिट है अगर आप रेगुलर मात्रा में अच्छा घी खाना चाहते हैं तो ए टू घी होता है और वही घी डला है एग्जॉम के इस च्यवनप्राश में दूसरा डिफरेंस इसका और ऑर्डिनरी च्यवनप्राश में यह है कि ये बनता है छोटे बैच में जब छोटे बैच में बनता है तो उसकी जो निगरानी रहती है क्वालिटी कंट्रोल रहता है वो और बेहतर रहती है लेकिन जो दूसरी कंपनियाँ रहती है वो हजारों चवनप्राश एक साथ बनाती है जिसके कारण उसका बैच काफी बड़ा रहता है और क्वालिटी में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है दूसरा मेन डिफरेंस इसमें और ऑर्डिनरी चवनप्राश में ये है कि इसके अंदर कोई कलर नहीं मिलाया गया है कोई फ्लेवर नहीं मिलाया गया है कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया है क्योंकि चरक आ, सारंग संहिता के अकॉर्डिंग किसी भी चवनप्राश में प्रिजर्वेटिव मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि चवनप्राश खुद एक लंबे समय तक टिक सकता है। लेकिन आज ऐसे कई सारे समझ नहीं पाएंगे दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि ये ग्लास बॉटल के अंदर आता और आपको बता दो मैंने पहले भी बताया गया है कि जो ग्लास बॉटल के अंदर चीजें रखते हैं उसकी इफिशियंसी उसकी क्वालिटी कहीं बेहतर होती है बजाय प्लास्टिक बॉटल में क्योंकि एक तो ये लीक नहीं करती दूसरा जब हमने देखा होगा आयुर्वेदिक में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो रहती है आपने देखा होगा पहले ऋषि मुनि उसको मिट्टी के बर्तन में रखते थे उस मिट्टी से ही रेत के बर्तन में रखते थे मिट्टी के बर्तन में रखते थे और वो रेत को गर्म करके आज जो ग्लास है वो उसी का फॉर्म है तो जो क्वालिटी रहती है वो और जो इफ़िशंसी रहती है वो ग्लास के प्रोडक्ट में ज़्यादा रहती है बशर्ते प्लास्टिक के बर्तन में और प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट रहता है जो बर्तन रहता है उसके अंदर कोई चीज़ रखते हैं तो उसकी खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है लंबा टिकता नहीं उसके साथ साथ उसकी गिर जाती है इसलिए ग्लास बॉटल में आता है अब बात करें इसके इंग्रेडिएंट की तो सारंग संहिता के अकॉर्डिंग जितने भी इंग्रेडिएंट मिलना चाहिए सस्ते वाले या फिर कॉस्टली वाले वो दोनों इंग्रीडियंट इसके अंदर मिले हैं प्लस जैसे कि मैंने इसमें बताया इसमें ए गाय का घी मिला है कश्मीरी सेफ्रॉन मिली है वाइल्ड नेचुरल हनी मिला है अब बात करें इसके बेनिफिट की तो जैसे मैंने बताया चवनप्राश एक शक्तिवर्धक है ये आपका स्टेमिना बनाता बढ़ाता है स्ट्रेन बनाता है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है जो कि वायरस और इन्फेक्शन से लड़ सके वैसे भी आजकल कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी कम हो चुकी है बहुत सारे डॉक्टर चवनप्राश डेली कंज्यूम करने का कहते हैं क्योंकि वो ही है नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है वो लोग जिनको काफी पिम्पल्स होते हैं ड्राइनेस रहती है तो बिल्कुल वो लोग इसे यूज़ करें इससे स्किन काफ़ी ग्लो हो जाती है शाइन हो जाती है हेयर अच्छे रहते हैं आइज़ जो रहती है वो स्ट्रांग होती है दांत जो रहते हैं वो अच्छे रहते हैं डाइजेस्टिव की बहुत सारे लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है वो इससे दूर हो जाती है कॉन्स्टिपेशन जो कि डाइजेशन का ही है डाइजेशन अगर आपका ख़राब है डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो आपको एसिडिटी होती है पेट में जलन होती है गैस की प्रॉब्लम होती है उसके साथ साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट वो है रेस्पिरेटरी डिजीज जी हाँ वो लोग जिनको अस्थमा है सांस की दिक्कत है उनके लिए सबसे बेस्ट होता है च्यवनप्रश वो रूटीन अपनी डेली लाइफ में च्यवनप्रश यूज़ जरूर करें एग्जाम का उसके साथ साथ वो बच्चे जो कि पढ़ते हैं लेकिन उनकी वो कहते हैं ना कि उनको याद नहीं रहता कुछ चीज़ समझते तो लेट समझ में आते ग्रूसिंग पावर और जो याद करने की क्षमता है मेमोरी बूस्टर का भी काम करता है ये च्यवनप्रश इसका लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है सुबह आप जब उठे उठने के बाद ब्रश व्रश करके जो भी आप दूध वगैरह पीते हैं तो एक चम्मच खा के आप दूध पी सकते हैं ध्यान रखिए इसको दूध में नहीं मिलाना है कुल मिला के दिन में दो बार यूज कर सकते हैं कभी भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा नहीं है खाने के पहले या बाद में बट हाँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जब निकले जिसके कारण होता क्या है कि दिन भर एनर्जी रहती है अब बात करें इसके प्राइजिंग की तो प्राइजिंग मैंने कहा है कि ये सारंग संहिता के अकॉर्डिंग बनाए जिसके अंदर सारे सस्ते जड़ी बूटी महंगे जड़ी बूटी और जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिले हैं जैसे ए टू काउ घी कश्मीरी वंश लोचन इनका बनाने का तरीका नेचुरल जो पुराने समय से चल रहा है वो सब मिलाने के बाद इसकी जो प्राइस आती है वो दो हज़ार आती कुल मिला के देखें तो दूसरे जो च्यवनप्रास है चार सौ उससे डेढ़ दो से ढाई गुना ज़्यादा आती है लेकिन ये अमेजोन पे अच्छे डिस्काउंट सा चौदह सौ सौ के आसपास मिल जाता है इससे छोटी पैकिंग भी आती है मेरे हिसाब से अगर आप चवन यूज करते हैं डेली तो एक बार इसको ट्राई जरूर करें दो मंथ आप यूज करेंगे आप खुद ही डिफरेंस पहचान जाएंगे जो ऑर्डिनरी चवन आते हैं जो कि केवल लाइन लगी है बेचने की प्लस एक जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला आयुर्वेदिक का उस इंग्रेडिएंट से बना हुआ चवन प्लस एक्सॉम में क्या डिफरेंस है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें नेक्स्ट हेल्थ वीडियो में जल्द ही मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू वेरी मच